आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज़ एंड नेचुरल स्ट्रेजर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक बहुत उपयोगी और बहु उपयोगी मेडिसिनल प्लांट की। सिंबल इसको कहते हैं बॉम्बिक्स सीबा। बॉम्बा केसी फैमिली का ये प्लांट है। कितने सुंदर रेड कलर के आप फ्लावर्स देख रहे होंगे। हाईली मेडिसिनल प्लांट है। डिफरेंट सिस्टम ऑफ हीलिंग में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इथनो मेडिसिन इसके तैयार किए जाते हैं और इथनो मेडिसिन प्रैक्टिस के लिए भी बहुत उपयोगी है। साथियों, इस प्लांट के फूल से पहले की स्थिति, जो बडिंग स्टेज होती है, कोमल पत्र, इसकी छाल और इसकी मूल, सभी औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आते हैं। प्री फ्लावरिंग स्टेज होती है, फूल आने से पहले जो उसमें जो डोडा होता है उसकी हम लोग सब्जी बनाते हैं। सिंबल डोडे की सब्जी भी उसको कहते हैं। उस सेपल्स, जो ग्रीन कलर की सेपल्स होती हैं, उसकी सब्जी बड़ी टेस्टी बनती है और उसके अंदर रेजिनस मटेरियल होता है, हल्का सा लिसलिसा और चिपचिपा सा मटेरियल होता है, जो शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के मिनरल्स की कमी को पूरा करते हुए हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। अच्छी बात यह है कि यह मेल और फीमेल दोनों प्रकार के हॉर्मोन्स पे काम करता है, उनको रेगुलेट करता है और जनन अंगों को मजबूती देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इस प्लांट का मुख्य उपयोग रक्त पित्त के समन के लिए किया जाता है। शरीर के अंदर पित्त अगर बढ़ गया है तो उसका निवारण करता है। इसके डोडे जब बड़ा हो जाता है तो ऑरेंज कलर का फूल आप देख रहे हैं, इस स्थिति में आ जाता है। इस फूल का उपयोग आप सूखा के चूर्ण बना के रख सकते हैं और 10 ग्राम इस चूर्ण को आप रात को भिगा के रखेंगे एक गिलास पानी में, करीब 200 ml हो जाता है, और सुबह खाली पेट इसको पी लीजिए। किसी भी प्रकार का पुराने से पुराना पीलिया वृद्धि हो गया हो, लीवर से संबंधित डिसऑर्डर्स हों, स्प्लीन से संबंधित डिसऑर्डर्स हों, निवारण के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक महीने लगातार आप लेंगे तो देखेंगे कि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से हिपेटोप्रोटेक्टिव इसका मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल सिक्वेंजिंग एक्टिविटी इसकी होती है, वंडरफुल कार्य करता है। इसके जो स्टेम की छाल है, इसके जो तने की छाल है, इसका आप महीन चूर्ण बना के रख लीजिए और इस महीन चूर्ण को डिकॉक्शन बना के आप सेवन करेंगे तो यह वाजीकरण का कार्य करता है। अगर स्टोन संबंधित प्रॉब्लम है, जिसको यूरोलिथियसिस कहते हैं, चाहे वो किडनी स्टोन हो या यूरिनरी ट्रैक में कहीं स्टोन हो, तो उसके निराकरण के लिए आप इसकी छाल का डिकॉक्शन शहद मिलाकर सेवन कीजिए। एक महीने के अंदर आसानी से किसी भी प्रकार की यूरोलिथियसिस की समस्या, स्टोन की समस्या दूर हो जाती। जो इसके फूल इस अवस्था से मैच्योरिटी की तरफ जब जाते हैं तो इनके अंदर एक रुई भी निकलती है और उस रुई का अगर आप तकिया बना के उपयोग में लाएंगे तो एंजाइटी को दूर करने वाला होता है। साइंटिफिकली किस तरह से एंजाइटी को दूर करता होगा ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन हजारों लोगों के अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इसकी रुई से बना हुआ तकिया एंजाइटी को दूर कर अच्छी नींद लाने में विशेष सहायक होता है। इसका कोमल पत्र, उसका आप सोरस पिएंगे तो शरीर के अंदर मिनरल्स की कमी को पूरा करेगा और हमारे मस्तिष्क की स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है और कुपोषण के कारण कई बार अनीमिया की समस्या भी हो जाती है, उसको भी ये दूर करता है। यह वाजीकरण के लिए, मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए, जनन अंगों को मजबूती देने के लिए और रक्त पित्त की समस्या के निराकरण के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या होता है, रक्त पित्त अगर लंबे समय से बना रहे तो रक्त अतिसार हो जाता है, जिसको ब्लड डिसेंट्री कहते हैं, पाइल्स में रक्त का आना भी हो जाता है, जिसको रक्तार्श कहते हैं, ये समस्या भी बन जाती है। इसके निराकरण के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पत्रों का अगर आप लेप लगाएंगे तो वो एंटी नोसिसेप्टिव एक्टिविटी उनकी होती है, एनाल्जेसिक का कार्य करता है। पेन से मुक्ति पाने के लिए आप इसके पत्रों का लेप लगाइए। अगर रूमेटिक आर्थराइटिस की समस्या है, जॉइंट्स पेन है, तो इसके सोरस बनाकर सेवन करना चाहिए। पत्रों का सोरस बना सकते हैं, क्योंकि हर मौसम में फूल नहीं होते हैं, तो आप इसके पत्रों का सोरस भी उपयोग में ला सकते हैं। इस प्लांट की जो मूल होती है, जो छोटा पेड़ होता है, तो इसकी मूल को सुखा कर रख लेना चाहिए और मूल को सुखा कर बराबर मात्रा में विदारी कंद इसमें मिला लीजिए और उसका महीन चूर्ण 5 ग्राम रात को सेवन कीजिए दूध के साथ। किसी भी प्रकार की शरीर में वीकनेस हो, जननांगों की वीकनेस हो, मस्तिष्क की दुर्बलता हो, हृदय की दुर्बलता हो या
शरीर में कैल्शियम का लेवल डाउन हो गया हो, कम हो गया हो, हार्मोन को रेगुलेट करके अच्छे न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट का कार्य भी करता है। यह प्लांट आप लीवर रेमेडिएशन के लिए, किडनी डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए, हार्ट को मजबूती देने के लिए, स्किन की प्रॉब्लम्स हों उनके निराकरण के लिए और यूरिनोजेनाइटल जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको भी आसानी से सही करता है। आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है, एडेप्टोजन है, नेचुरल सप्लीमेंट है, महान गुणकारी है प्लांट है। साथियों, प्रदर की समस्या है या डिस्चार्ज की समस्या है, यह भी बहुत कॉमन समस्या है और अगर लंबे समय तक बनी रहे तो कमर दर्द, बैकएक या कटीसूल जिसको लुम्बैगो कहते हैं वो भी हो जाता है और अगर उससे भी ज़्यादा लंबी अवस्था में बना रहे तो इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है। तो ऐसी समस्याओं के निराकरण के लिए आप इसके फूल को भिगो दीजिए और उसका पानी सुबह सुबह पी लीजिए। प्रदर की समस्या, डिस्चार्ज की समस्या इजीली ठीक हो जाती है। बेसिकली क्या होता है, पित्त के समन के बाद ये समस्याएं दूर हो जाती हैं, शरीर में पोषण मिलता है और पोषण मिलने के बाद इजीली ये रेमिडिएट हो जाती हैं। ये जानकारियां आप अपने मित्रों, साथियों, सखाओं को जरूर पहुँचाइए ताकि वो सब भी इससे लाभान्वित हो सकें। जाते जाते इतना जरूर कहूँगा कि हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, मस्कुलर रिलैक्सेंट है, प्रेगनेंसी के समय का सेवन ज़्यादा ना करें, यह अबोर्ट इफिशियंट भी हो सकता है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए और ये जानकारी अपने मित्रों सखाओं के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपकी जो शंका या समाधान के लिए जो आप हमें संपर्क करें वो ईमेल के माध्यम से करें या फिर आप 5 बजे के बाद कॉल कर हमें अपना संपर्क भी कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।